मंझोला में हुई लूट का एसपी सिटी ने किया खुलासा। थाना मंझोला के इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक और गिरोह का एसपी सिटी ने खुलासा कर दिया है। थाना मंझोला में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों ने पिछले दिनों एक मोबाइल फोन लूट की वारदात को बड़ी ही चालाकी के साथ अंजाम दिया था। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देशन में एक टीम बनाई गई, जिसमें सीओ सिविल लाइंस सागर जैन व सीओ हाईवे को शामिल किया गया था। तैयार की गई इस टीम ने बदमाशों की तलाश में पूरी तरह अपना जाल बिछा दिया था और मंझोला इलाके से दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि लुटेरों की निशानदेही पर लूटा गया माल नकदी के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने कहा कि मंझोला इलाके में हुई इस वारदात का सफल अनावरण करने पर एसएसपी ने टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है और इंस्पेक्टर मंझोला के किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी विक्की और दूसरा आरोपी, उसका नाम भी विक्की है, दोनों ही पागबड़ा के गांव रतनपुर कला में रहते हैं और दोनों ने अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। ये दिनांक 24 नवंबर को चौकी खुशालपुर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, उसके पास एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिसमें दो मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति कुलदीप पुत्र कमल सिंह, उनसे एक मोबाइल छीना था, उनका वीवो कंपनी का मोबाइल था। उस पर मंझोला पुलिस ने काम किया और उसमें सफलता उनको हासिल हुई है और दो अभियुक्त मैं मोटरसाइकिल और मोबाइल के गिरफ्तार हुए हैं और दोनों ही ये नए लड़के हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि निरंतर नए नए लड़के प्रकाश में आ रहे हैं इस तरह की लूट की घटनाओं में, तो ये दो लड़के, दोनों का नाम विक्की ही है, विक्की पुत्र सत्यवीर और दूसरा विक्की पुत्र हिम्मत, ये दोनों ही रतनपुर कला पागबाड़ा थाना क्षेत्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है और पूर्व इतिहास इनका अभी हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग सर्च कर रहे हैं, अभी जानकारी कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने इसके अतिरिक्त और भी घटनाएं की हों, इसके लिए गहराई से इनसे पूछताछ की जा रही है और जो बरामदगी हुई है हमारी टीम ने इसमें सफलता हासिल की है, उसके लिए मैं पुनः अपनी टीम को और सीओ सिविल लाइंस जीएसपी साहब इन लोगों के सम्मिलित प्रयास से सफलता मिल रही है। निरंतर इस पर कार्रवाई मंझोला पुलिस द्वारा की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। अभी जानकारी कर रहे हैं हम, जैसा इन लोगों ने बताया है कि इन्होंने पहली बार घटना की है ऐसा इनका अभी कहना है, लेकिन हम लोग विस्तार से अभी और गहराई से इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इनकी सीडीआर निकाली जाएगी, इनके ग्रुप में और कौन कौन लड़के शामिल हैं, ये क्या काम करते हैं, अन्य लोग हैं वो कोई जेल गए हैं क्या, इस सब पर गहराई से हम लोग अभी और जानकारी करेंगे। सर लूट की वजह क्या बताइए, किस लिए लूट कर रहे हैं? इनका कहना है कि ये इन्होंने एक मोबाइल कोई किस्तों पर लिया था, उसकी किस्त जमा कराने जा रहे थे, संभवतः इनके मन में रहा होगा कि उसके पैसों की जरूरत है, उसके लिए ये नशा भी करते हैं ये लोग, तो छोटे छोटे शौक के लिए नए लड़के आजकल जो अपराध कर रहे हैं उसी श्रेणी में ये लोग हैं और उसी तरह के नए लड़के हैं जिस तरह की घटनाओं को वारदात दे रहे हैं।